Hello everyone, welcome to Panacea. Today in this video we are going to start our next topic, that is learning and theories of learning. This topic is very important for all state teaching exams and CTET. So without wasting further time, let us start with our topic learning and theories of learning. Firstly, let us discuss these subtopics under this concept. Definition of learning, characteristics of learning, theories of learning by different approach, that is behaviorist, constructivist, cognitivist and gestalt approach. In behaviorist, we will do Ivan Pavlov theory, B.F. Skinner theory, trial and error theory by Thorndike and Watson. So in this video, we will start the definition of learning, characteristics of learning, behaviorist approach of learning, in which we will do classical conditioning theory of learning. So let us start with definition of learning. So learning hai kya? Learning is the modification of behavior. Learning is the modification of behavior through experiences and training. Learning behaviorist ke according jo learning hai wo kya hai? Change in behavior ya modification in the behavior. Ya fir hum keh sakte hain jo skills hum learn kar chuke hain unme change lekar aana, that is learning. And one more definition, learning is relatively a permanent change in the behavior as a result of interaction with the environment. So, environment ke interaction se, jo bhi humare behavior mein change aata hai, wo kya hai learning. These definitions are according to behaviorist. So, behaviorist ke according, behavior mein change aana hi kya hota hai? Learning. Aage badhte hain, characteristics of learning. जो लर्निंग है इसकी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो कुछ हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट वन इज लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जो लर्निंग है वो कभी रुकती नहीं है, थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है. लर्निंग इज यूनिवर्सल. लर्निंग कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ ह्यूमन बींग ही लर्निंग करता है. लर्निंग कोई भी ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, कहीं पे भी, इसके लिए कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. किसी भी इन्वायरमेंट में बैठकर चलते फिरते रोड पे अगर हम बात करें तब भी हम लर्निंग करते हैं. एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, सब हर कोई लर्निंग कर सकता है. तो इसलिए जो लर्निंग है वो क्या है? यूनिवर्सल है. लर्निंग इज डिजायरेबल परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस. लर्निंग क्या है? ह्यूमन की जो बिहेवियर है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है थ्रू एक्सपीरियंसेस, तो वो भी क्या है? लर्निंग का ही पार्ट है. और जो भी चेंज आता है वो परमानेंट होता है. कुछ समय के लिए जो भी आप लर्न करते हो वो आपके बिहेवियर को परमानेंटली चेंज कर देता है. लर्निंग इज परपोजिव. लर्निंग इज परपोजिव इन अ वे कि अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है. किसी पर्पस के लिए ही हम लर्न करते हैं. अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम किसी पर्पस के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसे कुछ सीख रहे हैं. तो जो लर्निंग है क्या है? परपोजिव होती है. नेक्स्ट इज लर्निंग इज एक्सपीरियंशियल. एक्सपीरियंशियल मतलब हम एक्सपीरियंसेस से लर्निंग करते हैं. हम जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं या जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, हम उससे लर्निंग कर रहे हैं, हम उससे अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आ रहे हैं. तो ये क्या है? लर्निंग. तो इसलिए लर्निंग क्या है? एक्सपीरियंशियल, क्योंकि हमें एक्सपीरियंसेस से मिलती है. लर्निंग इज नॉट थ्रू मैच्योरेशन. अगर नेचुरली कोई चेंज आ रहा है तो वो लर्निंग का पार्ट नहीं होता. जैसे अगर आप नेचुरली एज वाइज बड़े हो रहे हो तो आपके बॉडी में कुछ मैच्योरेशन की वजह से कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो ये लर्निंग नहीं है, ये नेचुरली हो रहा है. तो एक्सपीरियंसेस से जब हम कुछ अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं वो हमारी लर्निंग का पार्ट होता है. बट मैच्योरेशन से जो चेंज आ रहा है, दैट इज नॉट लर्निंग. तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी लर्निंग की. आगे बढ़ते हैं थियोरीज ऑफ लर्निंग. तो जब हम थियोरीज की बात करें तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसकी अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी है, अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है. तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियरिस्ट अप्रोच की. अगर हम बिहेवियरिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो बिहेवियरिस्ट ने किस पे फोकस किया है? चेंज इन बिहेवियर. मतलब इनके अकॉर्डिंग लर्निंग कब होगी? जब इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आएगा आफ्टर लर्निंग. तो इसमें हम बात करेंगे इवान पैवलोव की, बी एफ स्किनर की, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की, देन वॉटसन की. ये क्या हैं? ये बिहेवियरिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग को बिहेवियरिस्ट व्यू से एक्सप्लेन किया है.
दे फोकस ऑन चेंज इन बिहेवियर ड्यूरिंग लर्निंग. इनके अकॉर्डिंग अगर बिहेवियर अगर लर्निंग हो रही है तो वो कैसे पता चलेगी, अगर उसमें कोई भी परमानेंट चेंज आ रहा है उनके बिहेवियर में तो उससे उनकी लर्निंग का पता चलेगा कि वो एक्चुअल में उनकी लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही. तो इसीलिए ये क्या सोचते हैं कि जो लर्निंग है वो चेंज इन बिहेवियर से ही होती है. आगे बढ़ते हैं, इन्होंने टीचर का क्या रोल बताया है. इनके अकॉर्डिंग टीचर का रोल क्या है कि वो बच्चों को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ से वो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस ले सके और अपनी लर्निंग कर सके, मतलब अपने बिहेवियर में चेंज ला सके. तो टीचर का रोल क्या होगा कि वो बच्चों को वैसा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जिसमें वो क्या कर सके, अपने बिहेवियर में या अपनी लर्न स्किल में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आ सके. तो इनके अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल रहेगा, टीचर का रोल है कि वो अपने बच्चों को इन्वायरमेंट दे टू एलिसिट डिजायर्ड रिस्पॉन्स. एलिसिट का मतलब होता है कि वो अपने अंदर जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं उनको बाहर निकाल सके, उनको एक ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि वो अपने अंदर जो भी पोटेंशियल है उससे वो बाहर निकाल सके उस इन्वायरमेंट में और उससे वो लर्निंग कर सके और अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लेकर आ सके. तो ये थी बिहेवियरिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग लर्निंग की डेफिनेशन. तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम फर्स्ट थियोरी करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी बाय इवान पैवलोव. इसको पेवलोवियन थियोरी भी बोला जाता है. तो इवान पेवलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग को कैसे एक्सप्लेन किया है, थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या मतलब है, कंडीशनिंग का मतलब है कि जब हम बच्चों में खुद कोई एफर्ट्स लगाकर उनमें कुछ ना कुछ चेंज लेकर आ सकें. तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्यों, क्योंकि इसमें जो बच्चे होंगे जो लर्नर होंगे वो पैसिव रोल प्ले करेंगे. सारा का सारा रोल किसको प्ले करना है, टीचर को, जो उसको पढ़ा रहा है, जो उसको इन्वायरमेंट दे रहा है लर्निंग के लिए. उसमें जो लर्नर होंगे वो अपना पैसिव रोल प्ले करेंगे. तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किस पे बेस्ड है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड है जिसमें जो बच्चे अपना पैसिव रोल प्ले करके अपनी लर्निंग कर सकें. तो क्लासिकल कंडीशनिंग में कैसे लर्निंग होती है, रेपिटेटिव मतलब बार बार क्या बनाना, कनेक्शन बनाना किसके बीच में, दो स्टिमुलस के बीच में या फिर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में. तो पहले हम समझते हैं स्टिमुलस है क्या. स्टिमुलस होता है कुछ ऐसा जिसकी वजह से जो लर्नर है वो रिस्पॉन्स कर सके, तो इसे हम बोलते हैं स्टिमुलस. जैसे हम डॉग को फूड दिखाएंगे तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, तो वो जो फूड है उसके लिए वो क्या होगा, स्टिमुलस. और वो जो सलाइवा निकल रहा है वो क्या है, उसका रिस्पॉन्स. तो स्टिमुलस क्या है, जिसकी वजह से जो लर्नर है वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज स्टिमुलस. तो क्लासिकल कंडीशनिंग में कैसी लर्निंग होती है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का कनेक्शन या फिर दो स्टिमुलस के बीच का कनेक्शन रेपिटिशन में, मतलब बार बार अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे तो बच्चे की जो लर्निंग है वो बहुत इफेक्टिवली हो पाएगी. इस थियरी को रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग थियरी भी बोला जाता है, क्योंकि किस पे बेस्ड है, इसमें जो लर्निंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ लर्नर के रिस्पॉन्स पे बेस्ड है कि वो स्टिमुलस पे कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, इसलिए इसको रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग थियरी भी बोला जाता है या फिर सिग्नल लर्निंग थियरी भी बोला जाता है. तो सबसे पहले बात करते हैं इस थियरी की, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस को पढ़ लेते हैं. इवान पेवलोव ने क्या कुछ अजम्पशंस ली थी, इसी एजम्पशन के बेस्ड पे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने अपनी थियोरी दी थी. तो वो एजम्पशंस क्या थी, तो इस इवान पेवलोव के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के बाद ही होती है. इसने क्या एज्यूम किया था कि अगर लर्नर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तभी उसकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिवली हो पाएगी. सेकेंड एजम्पशन क्या है कि जो इन्वायरमेंट है यही क्या है, बिहेवियर को शेप देता है, बिहेवियर को चेंज कर सकता है, मतलब थ्रू इन्वायरमेंट ही लर्नर के बिहेवियर को एक शेपिंग मिलती है, एक उनमें चेंज आता है, एक मॉडिफिकेशन होती है, वो इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से ही होती है. थर्ड एग्जम्पशन क्या थी इवान पेवलोव की अकॉर्डिंग, जो इंटरनल मेंटल स्टेट है जैसे हमारे इमोशंस हमारी फीलिंग्स, ये ह्यूमन के जो बिहेवियर है इस पर अफेक्ट नहीं कर सकती. जो ये हमारे इमोशंस फीलिंग्स हैं ये हमारे ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको शेप नहीं देती है, ये सिर्फ टेम्परेरी होते हैं. तो जो इन्वायरमेंट से हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं उन्हीं से हमारा जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता है या फिर उसको शेपिंग मिलती है. तो ये कुछ अजम्पशन थी जो इवान पेवलोव ने अपनी थियोरी में दी थी. तो बात करते हैं
पेवलोवियन एक्सपेरिमेंट की। इवान पेवलोव ने अपनी थ्योरी एक एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पे ही दी थी। उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं पेवलोवियन एक्सपेरिमेंट। लेट अस स्टार्ट विद एक पेवलोवियन एक्सपेरिमेंट। इसमें इवान पेवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग्स पे किया था। इवान पेवलोव ने अमाउंट ऑफ सेलाइवा जो डॉग प्रोड्यूस करेगा थ्रू आउट द स्टेजेस जो भी पेवलोव ने दी थी, तो उसमें जो भी अमाउंट ऑफ सेलाइवा वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी के रिजल्ट से जो थ्योरी है उसको बताता है। जब डॉग को डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया तो उसकी अमाउंट को नोट किया गया और इसी अमाउंट ऑफ सेलाइवा की हेल्प से जो इवान पेवलोव है उसने अपनी थ्योरी लिखी थी। इवान पेवलोव के टोटल 3 स्टेजेस थी। तो बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। स्टेज वन की। स्टेज वन को बिफोर कंडीशनिंग स्टेज बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो भी एक्टिविटी होगी वो नेचुरल होगी, मतलब इनवोलेंट्री एक्शन होगा। इनवोलेंट्री क्या होता है? जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो स्टेज वन में क्या था कि एक डॉग के आगे मीट रखा गया। तो जब डॉग के आगे मीट रखा तो एकदम उसके मुंह से सलाइवा प्रोड्यूस हुआ और वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ये क्या था, जो वो मीट था जो उसके आगे रखा वो क्या है, वो एक स्टिमुलस है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। और जो वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है वो नेचुरली कर रहा है, उसकी कोई लर्निंग नहीं हुई है। नेचुरली वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सलाइवा, वो भी लार्ज अमाउंट में। तो ये क्या है, उस मीट का रिस्पॉन्स है जो डॉग दे रहा है। तो जो वो मीट होगा वो क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और वो जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है इतनी लार्ज अमाउंट में वो क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस। तो उसने क्या नोट किया कि जब मीट रखा तो डॉग ने बहुत ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस किया। कुछ देर बाद उसने डॉग के आगे बेल बजाई बहुत ज़ोर से। जब उसने बेल बजाई तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब डॉग ने कोई सलाइवा प्रोड्यूस नहीं किया जब उसके आगे बेल बजी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब उसके आगे मीट रखा तो उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि ये अनकंडीशनड है, ये इनवोलेंट्री है। अगर हम उसके आगे मीट रखेंगे तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, बट अगर हम कुछ और कर रहे हैं या बेल बजा रहे हैं या लाइट ऑन कर रहे हैं तो वो सलाइवा नहीं प्रोड्यूस कर रहा। ओके, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेज, इन स्टेज टू। इसको हम ड्यूरिंग कंडीशनिंग स्टेज भी बोलते हैं। अब इस स्टेज में क्या होता है कि इवान पेवलोव ने क्या किया, डॉग के आगे पहले बेल बजाई और बेल बजाने के कुछ सेकंड्स के बाद उसने उसके आगे मीट रख दिया तो डॉग ने सलाइवा प्रोड्यूस किया। अब जो डॉग का सलाइवा था वो किसकी वजह से आया, बेल की वजह से या मीट की वजह से? ऑफ कोर्स मीट की वजह से। तो इसीलिए अब जो मीट है वो उसके लिए एक स्टिमुलस है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और वो जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो उसी अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से कर रहा है। तो उस वो जो सलाइवा उसने प्रोड्यूस किया उसे हम क्या बोलेंगे, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि उसने बेल को देख के नहीं सलाइवा प्रोड्यूस किया, उसने सलाइवा मीट को देखकर प्रोड्यूस किया है। ओके, तो उसने ना इसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट किया। पहले उसने बेल बजाई, फिर उसने डॉग के आगे मीट रखा और उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया। इसको नंबर ऑफ टाइम्स बार बार सिचुएशन में उसने रिपीट किया। जब भी उसने डॉग के आगे मीट रखना है तो उससे पहले उसने एक बेल बजानी है, उसके कुछ सेकंड्स के बाद उसके आगे मीट रखेगा और डॉग जो अपना सलाइवा प्रोड्यूस करेगा वो अनकंडीशनड ही होगा, क्योंकि वो फूड को देखकर ही कर रहा है, वो तो नेचुरली है, वो करेगा ही। अब बात करते हैं स्टेज थ्री की। अब नेक्स्ट टाइम जब ये चीज उसने बार बार रिपीट की, मतलब कुछ मंथ्स तक आप कह लो अगर ये चीज रिपीट होती है, तो आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम डॉग के आगे बेल बजाई जाएगी तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। मतलब अब डॉग ने फूड को देखकर सलाइवा नहीं प्रोड्यूस किया, अब जो डॉग ने सलाइवा प्रोड्यूस किया है वो बेल को देखकर किया है। मतलब स्टेज थ्री को हम आफ्टर कंडीशनिंग स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में जब इवान पेवलोव ने बेल बजाई डॉग के आगे तो बहुत बहुत बार ऐसा हुआ कि उसने बेल बजाई फिर फूड दिया और उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया। जब इस चीज को बार बार रिपीट किया तो एक टाइम ऐसा आ गया कि डॉग के आगे सिर्फ अभी बेल बजेगी वो सलाइवा साथ ही प्रोड्यूस कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही बेल बजेगी उसको क्या मिलेगा, फूड, उसको क्या मिलेगा, मीट। इसका मतलब अब जो डॉग ने सलाइवा प्रोड्यूस किया है वो नेचुरली नहीं किया है, उसकी कंडीशनिंग हुई है, मतलब उसने लर्निंग की है कि बेल बजने के बाद क्या मिलेगा, मीट, और उसने जो सलाइवा प्रोड्यूस किया है वो उसी मीट के लिए की है। तो ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी के अंदर इवान पेवलोव का एक्सपेरिमेंट। उसने क्या नोट किया कि अगर डॉग मीट को देखकर अगर सलाइवा प्रोड्यूस कर सकता है तो वो किसी और
चीज को देखकर, मतलब किसी और स्टिमुलस को देखकर भी वो रिस्पॉन्स कर सकता है आफ्टर लर्निंग। तो जो ये बेल है, अब ये बेल कंडीशन्ड स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स आया दैट इज सलाइवा प्रोडक्शन, वो बेल को देखकर आया, तो वो अनकंडीशन नहीं होगा, वो क्या होगा? कंडीशन्ड रिस्पॉन्स। तो सी एस क्या होगा? बेल कंडीशन स्टिमुलस, और जो इस केस में सलाइवा प्रोड्यूस होगा आफ्टर कंडीशनिंग वो क्या होगा? सी आर, दैट इज कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि ये क्या है? आफ्टर कंडीशनिंग। तो अगर ये लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है, यही जो हम लर्निंग अभी इवान पैवलोव ने जो डॉग को ये लर्निंग करवाई है, जो उसमें ये कंडीशनिंग लेकर आया है, मतलब उसके बिहेवियर में जो वो चेंज लेकर आया है, वो अगर इफेक्टिव कब होगा? अगर ये कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल होंगी। कौन सी स्टेज में? स्टेज टू में। मतलब स्टेज टू में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा अगर हम इस कंडीशनिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट इज, अगर डॉग के आगे सेकेंड स्टेज में जब इवान पैवलोव ने बेल बजाई और फिर फूड रखा, तब उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया। लेकिन अगर यही उल्टा कर दिया जाए, मतलब अगर फूड पहले रखें और बेल बाद में बजाएं, तो क्या उसकी कंडीशनिंग हो पाएगी? ऑब्वियसली नॉट। व्हाई? तो अभी इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर डॉग के आगे मीट रख दिया तो सलाइवा तो उसका साथ ही प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर चाहे बेल बजे जोर जोर से, चाहे लाइट ऑन हो, कुछ भी हो, डॉग का सारा जो ध्यान है, सारी उसकी जो कंसंट्रेशन है, वो किस पे रहेगी? सिर्फ और सिर्फ मीट पे। तो पहली कंडीशन कंडीशनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या रहेगी? कि जो कंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब जिसकी हम लर्निंग करवाना चाहते हैं, जैसे बेल, उसको पहले प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम फूड को या मीट को रिप्रेजेंट करेंगे डॉग के आगे। मतलब कंडीशन स्टिमुलस, मतलब सीएस को पहले प्रेजेंट करना है यूसीएस से। सेकंड इज, मैंने आपको बताया था जब मैंने सेकंड स्टेज की बात की थी कि पहले बेल बजाई, उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही उसको मीट आगे रख दिया गया। तो देखो, जो कंडीशन स्टिमुलस है मतलब बेल, और जो अनकंडीशन स्टिमुलस है दैट इज मीट, उनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए। मतलब बेल बजाए उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही क्या प्रेजेंट करना है? फूड। तभी वो लर्निंग कर पाएगा, तभी उसकी कंडीशनिंग हो पाएगी। क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम गैप कर देंगे, मतलब हम बेल बजा रहे हैं उसके घंटों बाद जाके फूड दे रहे, तो वो अपने पिछले जो उसका बेल था, बेल वाली जो चीज़ थी, वो उसके अंदर से निकल जाएगी, फिर वो भूल जाएगा कि बेल बजी थी और उसके बाद फूड आ रहा है। मतलब वो सी एस को और यू सी एस को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमने सी एस और यू सी एस में बहुत कम टाइम गैप रखना है, तभी उसकी जो कंडीशनिंग है वो लर्नर की, वो इफेक्टिव बन पाएगी। थर्ड इज, जो बेल और फूड का जो ये एसोसिएशन कर रहा था इवान पैवलोव, इन ये बहुत लंबे समय तक होना चाहिए, तभी उसकी कंडीशनिंग अच्छे से हो पाएगी। मतलब जो बेल है और फूड है, इनका जो हम एसोसिएशन बनाकर डॉग के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोई एक दो तीन बार नहीं होना चाहिए, ये कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक अगर चलेगा तो ही वो लर्न कर पाएगा कि बेल बजने के बाद हमेशा क्या मिलेगा? फूड। मतलब इनकी जो एसोसिएशन है वो लंबे समय तक होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो क्लासिकल कंडीशनिंग को इफेक्टिव बनाती हैं। आगे बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो जब आपको सीटेट में क्वेश्चन आएंगे, अब वो थ्योरी के तो आएंगे नहीं एज इट इज़ कि आपको थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाएंगे, कुछ की पॉइंट्स पूछे जाएंगे। तो अभी हम उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, पूरा सबका निचोड़ निकाल कर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रखे गए हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज, इवान पैवलोव फोकस ऑन इनवोलेंट्री एक्शंस, मतलब जो ऑटोमेटिक इनवोलेंट्री एक्शंस है इसने इस पे फोकस किया था। जैसे डॉग के आगे मीट रखा तो वो ऑटोमेटिकली ही सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा, हमेशा करेगा। तो मतलब इसने, जो इवान पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग में किस पे फोकस किया था? इनवोलेंट्री रिस्पॉन्स पे फोकस किया था, जिन पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता है। सेकेंड इज, इन क्लासिकल कंडीशनिंग रोल ऑफ लर्नर इज पैसिव, मतलब इसमें लर्नर का पैसिव रोल होता है, सिर्फ उसको क्या करना होता है? स्टिमुलस को देकर रिस्पॉन्स करना होता है। तो इसी से उसकी क्या हो जाती है? कंडीशनिंग हो जाती है। मतलब इसमें लर्नर का कोई एक्टिव रोल नहीं होगा, वो पैसिव रोल प्ले करेगा।
थर्ड इज इट इन्वॉल्व एसोसिएशन बिटवीन रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस. अब इसमें क्या था, इसमें एसोसिएशन हो रही थी, मतलब मीट रख रहे थे, वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था. फिर एक टाइम ऐसा करते करते क्या आया कि बेल बजाई, साथ ही उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया. मतलब इस क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की जो कनेक्शन है और उनके बीच का जो एसोसिएशन है, इस पर फोकस किया गया. तो आगे बात करते हैं. तो इस तरह क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्नर का कोई भी रोल एक्टिव नहीं है, लर्नर पैसिव रोल प्ले कर रहा है. और इसके अंदर जो भी लर्निंग हो रही है, मतलब जो भी बिहेवियर में चेंज लेकर आ रहे हैं, वो किसकी वजह से लेकर आ रहे हैं, उसी के इनवोलेंट्री रिस्पॉन्स के कारण. तो इसी तरह डॉग की क्या हो गई, लर्निंग हो गई ना, कि अब हर बार जब भी बेल बजेगी वो क्या करेगा, सलाइवा प्रोड्यूस करेगा. तो यही चीज इसके अंदर है, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी ऑफ इवान पैवलोव. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और फर्दर और थियोरीज़ के लिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं. इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. और फर्दर वीडियोज़ के लिए आप हमारा जो कोर्स है सीटेट का, वो परचेज भी कर सकते हैं. थैंक यू.